तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है फेंग से, जो कि हमारी ये चैन की चार्ट रही थी। ये कहते हो माई गॉड बहन कैसी हो यार, तुमसे मिलकर अच्छा लगे, ये लो दारू पी लो, आई थिंक तुमको ये पसंद यहाँ पर होगा। मुझे एक बात बताओगे क्या, जो यंग मास्टर लिंग्स है वो किसी के सामने मुस्कुराते भी नहीं है, किसी को भाव भी नहीं देते, लेकिन तुम्हारे सामने कितना मुस्कुराते, तुमको कितना भाव यहाँ पे देते बताओ यार, तुमने कौन सा तरीका यूज़ किया उनको पटाने के लिए, मुझे भी बताओ ना। हाँ तो ये चैन गुस्से के मारे कहती हो तू अपना चार्मिंग तरीका यूज़ करके उनको पटाना चाहती है क्या, वो कोई ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं है जो तेरे चार में जादू में आ जाए। अगर तूने अपना चार्मिंग पावर यूज करने की बार बार कोशिश की और तो उससे नाराज हो जाएंगे, कभी बात भी नहीं करेंगे, समझ गई क्या कमीनी कुतिया हरामी छिनाल की औरत। वो भी कहती है यार समझ गई, थैंक यू मुझे एडवाइस देने के लिए। मनी मन बहुत उसको गुस्सा आता है कि यार यार कमीनी ने मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियां दी ना, अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता, कमीनी कुतिया छिनाल ये सब क्या होता है, ऐसा ऐसा बोलकर उसने मुझे गुस्सा यहाँ पे दिला दिया है। तभी पीछे से ये चैन आ जाता है और ये फैन आ जाता है, वो कहता है अच्छा मैडम क्या हुआ, तुमको तो बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है, किसके वजह से, एक आदमी है जिसको पटाना नहीं चाहते, दूसरी लड़की से एडवाइस मांगने गए, दूसरी लड़की ने भी गंदी गंदी गालियां यहां पे सुना दी, एक आदमी को क्यों पटाना चाहते हो, उसका गुलाम बनने के लिए, तुम गुलाम बनना चाहोगी, ये कहती भाई वो लिंच है, वो यहाँ पर है होली लैंड के इतने इंपॉर्टेंट मेंबर है, अगर तुम उनका गुलाम भी बन गए ना तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। एक सेकंड, तू मेरे साथ में भला बात कैको करी, तू तो नल्ला वैसी भी है, निकल जा यार यहाँ से, मुझे तेरे साथ ना बातचीत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना, जो सुन दे वो भी कहते सुनो मेरी बात, आई नो भाई अब तुम भी लिंच को लाइक नहीं करती, एक काम करते हम दोनों हाथ मिलाते और लिंच को मार के खत्म कर देते हैं। जो सुन दे वो हंसने लग जाती जोर जोर से और कहती है कि ओ माई गॉड यार, मतलब तुझे मानना ही पड़ेगा यार, मतलब तू उनके साथ लिंच शेव के साथ पंगा लेने के बारे में सोच रहा है, तू अकेले लेगा तो मर जाएगा, इसे तू मुझे भी मरवाना चाहते, इसे तू मुझे अपनी टीम में बुला रहा है। जो सुनता है ये फैन भी हंसते हंसते कहता है कि अरे हाँ यार तू अकेले जाएगी तो अकेले मर जाएगी, लेकिन ये देख, इतना बोलकर अपना जो नॉलेज है ना उसको अपने नॉलेज में बुला लेता है और जो टावर है टावर की पावर यहाँ पे दिखाता है, कहता है ये देख मेरी टावर की पावर, अब पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले जैसा नल्ला यहाँ पे नहीं है, अब जो बंदर यहाँ पे था ना बंदर को भी दिखाता है, ये देख एक टाइम था जब ये बंदर मेरे कंट्रोल के अंडर में नहीं था, लेकिन अभी मेरे कंट्रोल के अंडर में आ चुका है, जिसके दौरान लिंच शो की बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं, देख भी रहे हो क्या। चलो इसके बाद ना मैं तुमको दो मौका देता हूँ, दो मौके में से कोई एक मौका यहाँ पे चूज करो। वो भी कहती है कैसा मौका, हमारे में कहता है मौका नंबर वन लिंच शो के चाटने की कोशिश करो, तुम चाटती रहोगी वो कभी भी भाव यहाँ पे नहीं देगा। सेकंड ऑप्शन मेरे साथ आ जाओ, हम उसकी जान निकाल के बहुत जो भी फायदा मिलेगा ना वो आपस में बांट लेंगे। तो ये भी कहती है ओके ठीक है यंग मास्टर ये फैन मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। जो सुन ये फैन कहता है ये हुई ना बात, उसका जो फैन है ना बड़े प्यार से कहती हाँ तो भाई हमारे जो शादी तय हुआ था जो मैंने तोड़ा था, मैंने नहीं तोड़ा था मेरे परिवार वाले ने तोड़ाया था, ये कहकर कि भाई ये लड़का बेकार है शादी मत करो, मैं तो कहते थे नहीं लड़का बहुत ही सही है और भी अच्छा बन जाएगा, तो प्लीज हमारी जो शादी यहाँ पे थी वो शादी वापस से, जो सुंदर ये भी कहते समझो हमारी शादी है ना वापस से तय हो चुकी है, जैसे ये काम पूरा हो जाएगा ना वापस से शादी कर लेंगे। फैन को ये निकाल देता है। बंदर भी कहता है भाई सची में उस औरत पर भरोसा करना ठीक है क्या, तूने अपनी सारी बात उसको बता भी दी। जो सुंदर ये फैन भी कहता हाँ भी ठीक है, क्यों तुझे गड़बड़ लगता है क्या। बंदर भी कहता हाँ उसने तेरे साथ शादी नहीं की क्योंकि वो नल्ला यहाँ पे था, लेकिन जैसे उसने भाई पावर देखी तेरी वो वापस से तुझे सपोर्ट करने को तैयार हो गई, वापस से शादी करने को भी तैयार हो गई, समझ भी रहा है क्या। ऐसी जो लड़कियां होती है ना जो पावर के लिए खाली शादी करने को तैयार हो जाती है, बड़ी खराब औरत होती है। जो सुन दे ये फैन कहता है बड़ी खराब यहाँ पर है, और पैसे लालच और पावर बस उसको वही चाहिए, उसके लिए तो मुझे छोड़कर वो लिंच शो के पास गई, लेकिन जैसे वापस दिखा कि मेरे पास ज्यादा पावर है वो वापस मेरे पास आ गई, उसका सपोर्ट यहाँ पे लूंगा, लिंच शो को मारना आसान यहाँ पर होगा और बाद में इस लड़की को भी मार दूंगा, घंटे इसके साथ शादी करूंगा। बंदर तू ज्यादा अच्छे से मुझे सपोर्ट कर पाएगा, इसलिए तू ज्यादा अपने पावर पे ध्यान देना। जो सुनते बंदर कहता है या कैप्टन टेंशन मत लो, उसके जैसे बंदे को मारना मेरे लिए केला खाने के बराबर है। लेकिन जो फिंग है वो सारी की सारी बातें बता देती है हमारे मेन कैरेक्टर को कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है, वो परसों रात को पक्का तुम्हारे पे अटैक करेगा, और जो उसके पास बंदर है ना वो बंदर का यूज यहाँ पे करना चाहता है, और प्लस उसने बोला भी था तुम्हारे द्वारा एक दो आइटम यहाँ पे लाने को। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कैसा आइटम, ये कहते तुम्हारे नाखून तुम्हारा ब्लड तुम्हारे बाल इनमें से कुछ भी। हमारा मेकअप अपना बाल नाखून सब काट के दे देता है और कहता है ये सब बेकार चीजें हैं मेरे लिए, लेकिन उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ले जाके दे दो, और बोल देना परसों रात को ये टाइम पे मैं अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस करूंगा उस टाइम पे हमला करे। जो सुनते फेंग भी कहती है ओके ठीक है, इतना बोल के निकल जाती है। हमारा मेकअप मनी मन सोचते कि आप सारे जो भी चूजन वन है ना उनके जो भी पर्सनैलिटी है मुझे पूरा आइडिया है, सबसे पहले जो चू यंग मिला था वो तो समझो बस एक ऐसा लड़का था जिसको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, मारना मतलब मारना डिसाइड कर लेता है, तो जैसा उसने मुझे देखा
का वैसे वो हिट करने लगा, वैसा मारने का डिसाइड कर लिया। लेकिन ये जो है ये फैन वो डरे, गुस्सा नहीं किया, अपने आप को काफ़ी कंट्रोल यहाँ पे किया और एंड में देखो कितना ज़्यादा गहरा प्लान यहाँ पे बना रहा है मुझे मराने के लिए। लेकिन वो भी भूल गया कि मेरे जैसा समझदार विलेन को मारना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन, मरेगा लेकिन मैं नहीं, वो यहाँ पे मरेगा, तू बस सही टाइम आने का इंतजार यहाँ पे कर। उससे पहले जो डिवाइन एम्बेसडर यहाँ पर है ना, मुझे उनसे मिलना, उनको यहाँ पे बुला लो। हाँ तो वो आ जाता हमारे में, क्या कहता है, वेल मैं भी होली लैंड का मेंबर यहाँ पर हूँ और आप भी होली लैंड के मेंबर हो। हमारे लिए ये जो दुनिया है काफ़ी लो लेवल की कमज़ोर सी दुनिया, जिसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। लेकिन मिस्टर क्विंग रेन उस डिवाइन एम्बेसडर का नाम है और डिवाइन चर्च का मेंबर यहाँ पर है, तो कहते भी कि आपके जैसे डिवाइन चर्च का मेंबर हेवली डेमोन को मारने को यहाँ पर आया, मुलाकात हो गई तो मेरी बोरियत यहाँ पर मिट गई। वो भी कहते कि अरे यार मैं कोई बोरियत मिटाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस डेमोन को मारने आया हूँ, जो मेरा काम यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं समझ सकता हूँ, लेकिन टोटल चार डिवाइन एम्बेसडर थे जो साथ में यहाँ पे आते थे, लेकिन अब तो अकेले यहाँ पर आए हूँ, बाकी तीनों का क्या, बाकी तीन कहाँ पे गए। जो सुनते वो बंदा भी कहता है अच्छा बाकी तीन क्या, यार बाकी तीन को आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमको डेमोनिक ऑरा महसूस हुआ वो किसी काफ़ी लो लेवल के हेवली डेमोन का ऑरा यहाँ पे था, जिसको मारने के लिए मैं इकलौता यहाँ पे काफ़ी हूँ, बाकी लोग को आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल आप मारने आए हो, बाई चांस फेल यहाँ पे हो जाओगे तो क्या करोगे। जो सुनते ये भी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, बाई चांस मान लो मुझे हेवली डेमोन यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन आप यहाँ पर हो ना, आपको मालूंगा, आपको गलत काट के लेके जाऊँगा और बोलूँगा कि लो भाई मैंने इसको जहाँ से मार डाला, खुश हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वाओ अगर रियल डेमोन यहाँ पे मारा नहीं गया, आप मुझे मार के लेके जाओगे, एक इनोसेंट एक बेकार आदमी को, बेकसूर आदमी को लेके जाओगे मारकर। जो सुंदर भी कहता है अच्छा मासूम आदमी, तू कहाँ से मासूम आदमी यहाँ पर है, तू 10,000 डेमोनी सेट का मेंबर है, तेरे माँ बाप कितने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर यहाँ पर है, अपने माँ बाप के नाम को लेकर तूने ना जाने कितने लोगों को परेशान यहाँ पे किया। एक सेट यहाँ पे था पियाओ मियाओ डाओ नाम का, उसकी जो सेंटेंस है ना जबरदस्ती, उसके साथ शादी करने के लिए तूने एग्री भी यहाँ पे करवा लिया है, अपने ओहदा को लेकर तूने बहुत लोगों को परेशान किया है। ये दुनिया के लोग तुझे लॉर्ड यहाँ पे समझते हैं, जिसके चक्कर में तेरी इज्जत करते हैं, वरना हमारे होली लैंड में बिल्कुल भी तेरी इज्जत यहाँ पे नहीं है। और तूने बहुत लोग को परेशान किया, बहुत लोग चाहते तू मर जाएगा, तूने मतलब मैंने तुझे जान से मारा वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। हमारा मैं कहता है अगर आपने मुझे जान से मारा मेरे मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, आपको उनका डर नहीं लगता क्या। ये भी कहता मैं यानी डिवाइन एम्बेसडर क्यों रहेंगे, किसी भी पावरफुल बंदे से नहीं डरता, मैं तो भाई तुझे भी मार ही दूंगा, इतना बोल के लड़ाई करने को तैयार था। हमारे मैं कहता ने भी गन निकाल लिया था, उतने में वो जो डेमोनिक बंदर था ना भाई उसने अटैक कर दिया था। ये कहते लिंक शेव के बच्चे तू तो गया, आज मैं तुझे मार के रहूंगा, इतना बोल के घर पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डिवाइन एम्बेसडर कहते ले बेटा ले, मुझे लगा ये दुनिया में सब तुझे लाइक करते होंगे, लेकिन ये दुनिया में भी कोई है जो तुझे जान से मारना चाहता है। भाई मैं तो इस बंदर को तुझे जान से मारने देता, लेकिन बंदर भी एक डेमोनिक बंदर है और ऐसा डेमोनिक बंदर मरना डिजर्व करता है। तो बंदर भी इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस पर कोई असर होता नहीं है। तो बंदर भी पहचानते कि अरे बाप रे ये तो कोई स्ट्रॉन्ग बंदर लग रहा है, अरे ये फ्रेंड ने मुझे कहाँ फंसा दिया, भागो यार। तो बंदर भागने लग जाता है, तो डिवाइन एम्बेसडर भी कहता वो बंदर कहाँ पे भाग रहा है, आज तू मरेगा मेरे हाथों से मरेगा। हमारे मेन कैरेक्टर भी खुश थे कि देखा मेरा प्लान, मैंने जानबूझ के डिवाइन एम्बेसडर को बुलाया था क्योंकि मुझे पता था बंदर इस समय ही हमला करने आएगा, जैसे हमला करने आएगा ना वैसे डिवाइन एम्बेसडर उसके पीछे पड़ेगा, फ्री फैन के पीछे पड़ेगा, वो लोग आपस में पकड़ लेंगे। और उसके पास में कमाल का टोकन भी था ये डिवाइन एम्बेसडर के पास, जो बड़ा डेंजरस यहाँ पे था, अगली बार से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और उसने जो भी बातें मेरे बारे में बताई कि सच्ची में होली लैंड में मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पे तैयार कर दी, वहाँ के लोग को ज़्यादा मुझे हेट करते हैं, भाई विलेन यहाँ पर हूँ, हाँ तो वापस लौटने से पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बन के लौटना पड़ेगा, वरना पता चला किसी और ने मुझे टपका दिया तो, और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखते अब ये फैन के साथ क्या होता है, हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।